70 के दशक में बॉलीवुड में एक गायिका आई। शुरुआती दिनों में वो सिर्फ डबिंग किया करती थी। डबिंग यानी वो गाने जो लता मंगेशकर या आशा भोंसले को गाने होते थे, उन्हें वो रिकॉर्ड करती थी जिससे गाने के साथ फिल्म का सीन शूट किया जा सके। बाद में संगीतकार को जब लता या आशा से डेट्स मिल जाती थी तो वो उन गानों का फाइनल टेक रिकॉर्ड करती थी। धीरे धीरे ऐसा समय आया जब इस गायिका को ज्यादातर संगीतकारों ने इसी काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन जब उन्होंने बड़ी विनम्रता से कह ही दिया कि वो इंडस्ट्री में सिर्फ डबिंग कलाकार बनने के लिए नहीं आई हैं। आगे चलकर इस सिंगर को दुनिया भर में कविता कृष्णमूर्ति नाम से बेशुमार शोहरत मिली। इस सिंगर ने अपने इन्हीं मजबूत इरादों के साथ इंडस्ट्री में काम करना जारी रखा। आखिरकार करीब एक दशक बीतने के बाद 1980 में फिल्म मांग भरो सजना में अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग काहे को ब्याही विदेश गाने का मौका मिला। साल 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गाने तुमसे मिलकर ना जाने क्यों ने उन्हें प्लेबैक सिंगर के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई और करते हैं हम प्यार ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई। इसके बाद 90 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब प्लेबैक सिंगर बनी। उन्हें 1995 से 1997 तक लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने एक बेहद मंझे हुए कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। सुरों के सागर में इस मेलोडी क्वीन की आवाज हैरान करने वाले अंदाज में अटखेलियां करती हैं। आप 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के गाने को याद कीजिए प्यार हुआ चुपके से, फिल्म याराना का गाना मेरा पिया घर आया या देवदास का डोला रे डोला। इन सारे गानों को सुनकर लगता है कि वाकई कविता कृष्णमूर्ति की आवाज का जवाब नहीं। आज भले ही उनकी पहचान दुनिया भर में एक बेहद कामयाब सिंगर की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त कविता प्लेबैक सिंगर नहीं बनना चाहती थी। वो अपने पिता और खुद की मर्जी के मुताबिक विदेश सेवा में अफसर बनना चाहती थी। फिर कैसे पड़ोस की एक आंटी ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें कामयाब सिंगर बनाने के लिए जी जान लगा दिया, ये जानेंगे इस पेशकश में आगे। ही बताऊंगी कि अपने करियर से शुरुआती दौर में ही लता मंगेशकर, मुकेश, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे दिग्गजों के साथ मंच पर प्रस्तुति देने के बावजूद आखिर क्यों प्लेबैक सिंगर बनने में उन्हें एक दशक लंबा समय लग गया। और जानेंगे कि ताउम्र शादी ना करने का फैसला लेने के बाद आखिरकार किस वजह से कविता को 3 बच्चों के पिता से शादी करनी पड़ी। अंत में बात होगी कि मीडिया में आकर किस लिए कविता को कहना पड़ा कि मेरे पति को मेरी नौकरानी से बचाओ। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं कविता कृष्णमूर्ति के सिंगर बनने की कहानी। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी 1958 में दिल्ली में हुआ था। इनके माता पिता तमिल थे, पिता एजुकेशन एंड कल्चर अफेयर्स मिनिस्ट्री में अधिकारी थे और दिल्ली में कालीबाड़ी के पास रहते थे। कविता के पड़ोस में एक बंगाली फैमिली रहती थी। दोनों परिवारों में कमाल की दोस्ती थी, खास तौर पर कविता की माँ और उनकी पड़ोसी आंटी में। कविता प्यार से इस आंटी को मामुनी यानी माँ ही बुलाती थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब दोनों परिवार एक साथ एक ही घर में रहने लगा, सिर्फ किचन अलग अलग थे, एक बंगाली किचन और दूसरा तमिल। कविता के पिता और पड़ोसी भट्टाचार्य एक साथ नौकरी भी करते थे। इन दो परिवारों के साथ रहने का असर ये हुआ कि सब एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों से कहीं ज्यादा ध्यान रखते थे। कविता की मामुनी यानी बंगाली आंटी को गीत संगीत से लगाव था।
सो उन्होंने कविता को भी सिखाना शुरू कर दिया और बाद में कालीबाड़ी में एक महिला ट्रेनर के पास सीखने के लिए भेजने लगी। उन दिनों दुर्गा पूजा से पहले एक रविंद्र संगीत का कंपटीशन हुआ करता था। तब कविता करीब 7 साल की थी। वहां सबसे छोटे बच्चों वाले ग्रुप में कविता को फर्स्ट प्राइज मिला। इसी के बाद कविता को गंधर्व विद्यालय में बलरामपुरी नाम के शिक्षक ने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण दिया। अपने स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं में कविता ने 3 बार खिताब जीते। अब तक भले ही कविता संगीत का प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन उनका सपना विदेश सेवा में सिलेक्ट होकर पोस्टिंग पाने का था। लेकिन उनकी मामूनी उन्हें हर हाल में बड़ी सिंगर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसी बीच पड़ोसी भट्टाचार्य रिटायर हो गए और कविता की 12वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद सिंगर बनाने का ख्वाब लेकर कृष्णमूर्ति और भट्टाचार्य परिवार मुंबई आ गया। ये भी एक संयोग ही था कि कविता कृष्णमूर्ति के परिवार से और हेमा मालिनी के परिवार में पुरानी जान पहचान थी। हेमा मालिनी भी उन दिनों भरतनाट्यम सीखा करती थी और साथ में कविता कृष्णमूर्ति भी। दोनों परिवार मुंबई में किसी को नहीं जानता था सिवाय हेमा मालिनी के परिवार को छोड़कर। इसी बीच हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल बन गई और उन्होंने बहुत नाम कमा लिया। मुंबई पहुंचने के कुछ समय बाद कविता के पिता की पोस्टिंग स्विट्जरलैंड हो गई। जाने से पहले उन्होंने परिवार के लिए मुंबई में एक घर खरीदा। मुंबई आकर कविता ने यहाँ के नामी सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और इकोनॉमिक्स में बीए किया। वो यहाँ हर म्यूजिक ग्रुप में काफी एक्टिव थी। इस दौरान इनकी मुलाकात दिग्गज डायरेक्टर गुरुदत्त के छोटे भाई विजय से हुई। उनके जरिए कविता को बहुत सारे जिंगल्स में अपनी आवाज देने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने गीता दत्त के साथ अमूल के एक जिंगल में अपनी आवाज दी थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन मल्हार के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज इसमें गेस्ट के तौर पर आते थे। एक बार इसमें संगीतकार हेमंत कुमार आए थे, जिनकी बेटी रानू मुखर्जी भी इस कॉलेज की छात्रा थी। यहाँ जब हेमंत कुमार ने कविता को गाते हुए सुना तो बहुत प्रभावित हुए। रानू ने कविता को अपने पिता से मिलवाया। इस मुलाकात के बाद हेमंत दा ने कविता को अपने म्यूजिक शोज में डुएट गवाना शुरू किया। इसी दौरान कॉलेज में सीनियर रहे नितिन मुकेश ने कविता को अपने पिता और दिग्गज गायक मुकेश से मिला दिया। इसके बाद कविता मुकेश के शोज में भी गाने लगी। जान पहचान बढ़ती गई तो कविता महेंद्र कपूर और तलत महमूद के साथ भी कार्यक्रमों में गाने लगी। इसी बीच 1974 में कविता के पिता का निधन हो गया, लेकिन हेमंत कुमार और मन्ना डे ने कविता को अपनी बेटी की तरह संभाला। इसी तरह एक बार जाने माने आरजे अमीन सयानी ने कविता को दिग्गज संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास भेजा। उन दिनों रामचंद्र का नाम बहुत बड़ा था। वो फिल्मों में ज्यादा सक्रिय तो नहीं थे, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा था। कविता उनसे मिलने गई तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ सुनाओ। कविता को सुनने के बाद रामचंद्र ने कहा कि तुम गाती तो अच्छा हो, लेकिन मेरे पास 10 साल बाद आना, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। उनकी बात सुनकर कविता और उनकी मामूनी उदास हो गए। कविता के कॉलेज की पढ़ाई चलती रही। इसी बीच हेमंत दा ने एक रोज मन्ना डे को फोन कर दिया और बोले कि एक लड़की है जिसे आपके पास भेज रहा हूँ, वो आपके साथ बहुत अच्छा डुएट गा सकती है। मन्ना डे ने बुलाया और उनका ट्रायल लिया। इसके बाद वो मन्ना डे के शोज में भी गाने लगी। ठीक इसी दौरान एक रोज हेमंत दा ने कविता को फोन करके अगले दिन राजकमल स्टूडियो पहुंचने को कहा। जब वो पहुंची तो देखा कि हेमंत दा पहले से मौजूद थे। उन्होंने कविता को एक गाने के 2 लाइन की रिहर्सल कराई। इसके बाद सब लोग किसी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां स्टूडियो का दरवाजा खुला और उससे लता मंगेशकर की एंट्री हुई। हेमंत दादा ने कहा कि कविता आज तुम्हें लता जी के साथ गाना है।
वही दो लाइनें जिसकी मैंने अभी रिहर्सल कराई थी। ये सुनकर कविता चौंक भी गई और डरने भी लगी। लता को अपना भगवान समझने वाली कविता के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। जब लता जी के साथ गाने की प्रैक्टिस शुरू हुई तो डर के मारे रिहर्सल में कविता अपनी लाइन तक भूल गई। खैर, फाइनली लता के साथ उनका पहला गाना एक टेक में हो गया। बाद में कविता को पता चला कि वो एक बांग्ला फिल्म का गाना था। इसी बीच एक दिन हेमा मालिनी की मां ने कविता कृष्णमूर्ति को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाया। इसके 2-3 साल बाद 1978 की बात है। संगीतकार लक्ष्मीकांत के सेक्रेटरी चंद्रकांत ने एक दिन कविता को फोन कर उनके घर बुलाया, जहां लता के एक गाने की डबिंग कराई गई। इसके बाद संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अक्सर कविता से लता और आशा के गानों को डब कराने लगे। कविता कृष्णमूर्ति को लेकर आपको यहाँ एक और दिलचस्प बात बताना जरूरी है। दरअसल उनका असली नाम शारदा था। दरअसल परेशानी ये थी, शारदा राजन नाम की एक और बड़ी गायिका हुआ करती थी। फिल्म सूरज का उनका गाना तितली उड़ी बहुत लोकप्रिय हुआ था, इसलिए कविता जहाँ भी स्टेज शो करने जाती लोग उन्हें वही शारदा समझ लेते और उनसे तितली उड़ी गाने की फरमाइश करते। इसलिए एक दिन हेमंत दा ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी तो उनकी मामूनी ने नाम बदलकर कविता कर दिया। मुंबई आए करीब 10 साल हो गए थे, लेकिन अब तक प्लेबैक सिंगर के तौर पर कविता की शुरुआत नहीं हो पाई थी। या तो वो बड़े सिंगर्स के शो में गाती थी या फिर डबिंग का काम करती थी। इन परिस्थितियों से वो परेशान हो गई थी। एक दिन उनकी मुलाकात आरडी बर्मन से हुई। बर्मन ने उन्हें एक गाने की डबिंग का ऑफर दिया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि दादा, मैं अगर हर जगह लता जी के गाने डब ही करूंगी तो मेरे करियर के लिए आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। पंचम दा ने उसके बाद कविता से कई गाने गवाए, लेकिन उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, उनका काम कम होता चला गया। उसके बाद उन्होंने कविता से वादा किया कि जिस दिन भी उन्हें कोई अच्छी और बड़ी फिल्म मिलेगी वो उन्हें गाने के लिए जरूर बुलाएंगे। खैर, आगे चलकर पंचम दा ने अपना वादा पूरा भी किया। एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर कविता को पहला मौका दिया। संगीतकार विलायत खान ने 1976 की हिंदी फिल्म कादंबरी में, जिसमें उन्होंने कविता से आएगा आने वाला गीत गवाया था। ये गाना फिल्म 1949 की हिट फिल्म महल का रीमिक्स सॉन्ग था, इसलिए आधिकारिक तौर पर 1980 की फिल्म मांग भरो सजना का गाना काहे को ब्याही विदेश को ही कविता का पहला बॉलीवुड सॉन्ग माना जाता है। इसके बाद प्यार झुकता नहीं फिल्म आई। इस फिल्म के निर्देशक केसी बोकाड़िया और संगीतकार एसएच बिहारी थे। बिहारी ने कविता से लता जी के सारे गाने डब कराए और फिल्म के आखिरी गाने तुमसे मिलकर ना जाने क्यों में कविता को मौका दिया, जो एक बच्चे पर फिल्माया जाना था। संगीतकार एचएस बिहारी ने कविता से कहा था कि तुम ये गाना पूरी शिद्दत से गाओ, अगर ये गाना बच्चे की आवाज में सूट कर गया तो ये हम तुम्हारी ही आवाज में रखेंगे। इस गाने का डुएट तो लता ने गाया, लेकिन बच्चे वाला पार्ट कविता के हिस्से में आया। सही मायने में कविता कृष्णमूर्ति की किस्मत 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से चमकी। इस फिल्म में उन्हें संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मौका दिया और कविता को 3 गाने गाने का मौका मिला। फिल्म में किशोर कुमार के साथ उन्होंने पहला डुएट करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से गाया, जो उस वक्त बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। इसके अलावा कविता की आवाज में इस फिल्म का गाना हवा हवाई सुपर डुपर हिट हुआ। यही वो गाना था जिसके जरिए कविता कृष्णमूर्ति की शोहरत फिल्म जगत में बहुत तेजी से बढ़ी।
हवा हवाई गाने को लेकर कविता ने बताया था कि इस गाने को आशा भोसले गाने वाली थी। उनसे सिर्फ शूटिंग के लिए गाना डब कराया गया था, लेकिन कविता ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया कि फाइनली उनकी आवाज में ही गाने को फिल्म में शामिल कर लिया गया। मिस्टर इंडिया फिल्म की कामयाबी के बाद कविता की किस्मत का सितारा बहुत तेजी से चमका। अब उनके पास कई सारी फिल्मों में गाने के ऑफर आने लगे। संगीतकार आरडी बर्मन को कविता से किया अपना वादा याद रहा। उन्होंने अपनी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में कविता को मौका दिया, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिभा के मुताबिक पूरी शिद्दत से फिल्म का एक गाना प्यार हुआ चुपके से रिकॉर्ड किया। उनकी गायकी ने अपना असर छोड़ा और इस गाने के लिए उन्हें 1995 में पहली बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस सम्मान के लिए कविता को करीब एक दशक लंबा इंतजार करना पड़ा। अवार्ड से हौसला अफजाई हुआ तो कविता ने ना सिर्फ हिट गानों की झड़ी लगा दी, बल्कि लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर कई बड़ी सिंगर्स की नींदें भी उड़ा दी। 1995 के बाद साल 1996 में फिल्म याराना के गाने मेरा पिया घर आया और 1997 फिल्म खामोशी द म्यूजिकल के गीत आज मैं ऊपर के लिए कविता को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस तरह 1995, 96 और 97 तीन साल लगातार उन्होंने ये सम्मान अपने नाम किया। नब्बे के दशक में कविता कृष्णमूर्ति का करियर बहुत तेजी से चमका। इस दौर में वो अलका और अनुराधा पौडवाल को कड़ी टक्कर देने लगी थी। अनुराधा टी सीरीज के लिए जब सिर्फ भक्ति गीत गाने लगी, इसका फायदा कविता को भी मिला। 90 और साल 2000 के शुरुआती दौर की ज्यादातर बड़ी फिल्मों में या तो उन्हें मौका मिलता या फिर अलका को। इस दौर में वो सबसे कामयाब सिंगर रही। इसके साथ ही वो तमाम बड़े संगीतकारों की पसंद बन गई। अपने करियर में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लाहिड़ी, आनंद मिलिंद, रहमान, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अन्नू मलिक और इस्माइल दरबार जैसे संगीतकारों के साथ तमाम हिट गाने रिकॉर्ड किए। की फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने गानों की कामयाबी के बाद कविता ने तय कर लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी। अपनी गायकी और इस पेशे से उन्हें ऐसा प्यार हुआ कि उन्हें जिंदगी में किसी हमसफर की जरूरत नहीं मालूम पड़ती थी। उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है। घर आती थी तो कुत्तों के साथ खेलती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि कविता को अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल एक बार उन्हें मशहूर वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो एक फिल्म कर रहे हैं और उसमें उन्हें हरिहरन के साथ एक गाना गवाना चाहते हैं। तय तारीख पर कविता गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बैंगलोर पहुंच गईं। डॉक्टर सुब्रमण्यम के परिवार से कविता पहले से परिचित थीं। पत्नी विजय शंकर की कैंसर के चलते मौत के बाद सुब्रमण्यम अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रहे थे। कविता ने उनसे मिलकर सहानुभूति प्रकट की और उनका हाल चाल जाना। सुब्रमण्यम ने कहा कि बस किसी तरह जिंदगी कट रही है। इसके बाद रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कविता का अक्सर बैंगलोर जाना होता था, जहां सुब्रमण्यम और उनके बच्चों से भी मुलाकात होती थी। सुब्रमण्यम एक बेहद सुलझे और शरीफ इंसान हैं। यही वजह रही कि कविता उनकी तरफ कुछ आकर्षित भी हुई और कुछ सिंपैथी फैक्टर ने भी काम किया। एक वक्त आया जब दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे की जरूरत हैं। जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो कविता की माँ और मामुनी डर गईं। उनको लगा कि कविता का कामयाब प्लेबैक सिंगर का सफर कहीं बीच में ही ना रुक जाए। साथ ही 3 बच्चों के पिता से शादी करने का फैसला उन्हें ज्यादा अटपटा लग रहा था। खैर, कविता ने उन्हें भरोसे में लेकर करीब 40 साल की उम्र में साल 1999 में सुब्रमण्यम से शादी कर ली। तब सुब्रमण्यम की बड़ी बेटी 13 साल और 2 बेटे 7 और करीब 5 साल के थे। कविता कहती हैं कि शादी के तुरंत बाद उन्हें माँ बुलाने वाले बच्चे मिल गए और एक रेडीमेड फैमिली भी।
साल 2010 में कविता की शादीशुदा जिंदगी में तब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई जब उनकी नौकरानी ने उनके पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। दरअसल हुआ यूं था कि कविता के घर से 5,000 रुपए और उनकी बेटी की सोने की चेन गायब हो गई थी। नौकरानी पर चोरी का शक जाहिर करते हुए सुब्रह्मण्यम ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद वो किसी काम से भुवनेश्वर चले गए। 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि नौकरानी ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया है। दरअसल 2009 में शाइनी आहूजा केस के बाद घरेलू नौकरानियों द्वारा ब्लैकमेल करने के कई मामले सामने आ रहे थे। सुब्रह्मण्यम की नौकरानी ने भी ऐसा ही किया, वो मीडिया में जाकर बयान देने लगी। इसके बाद कविता कृष्णमूर्ति को अपने पति के बचाव में उतरना पड़ा और ये मामला बाद में सुलझ गया। आज कविता कृष्णमूर्ति फिल्मों में गाने से दूरी बना चुकी हैं। वो ब्रोंकियल कोल्ड से पीड़ित रहती हैं, जिससे साइनस की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, साथ ही अस्थमा का भी असर है। फिर भी उन्होंने गाना पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। आज भी वो स्टेज शो करती हैं। अपने करियर में उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़ समेत करीब 45 क्षेत्रीय भाषाओं में गाने गाए हैं। वो अब तक करीब 25,000 गाने गा चुकी हैं। 4 बार फिल्म फेयर के अलावा साल 2005 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। कविता आजकल तमाम रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट जज नजर आ जाती हैं। तो इस पेशकश में आज बस इतना ही। कविता की सेहतमंद और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।